नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। टाइम मैगजीन ने जारी की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची, लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी है शामिल। आज से राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित, कोविड-19 के कारण लिया गया है फैसला। अनुच्छेद 370 को लेकर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का, जम्मू कश्मीर में शांति के लिए अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाना चाहिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार से किया आग्रह, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और सामान्य नागरिक हिंसा संहिता लागू करने की मांग। रात भर में भारी बारिश के कारण जलमग्न हुई मुंबई, बीएमसी ने रेल, रोड, अदालत और दफ्तर को एक दिन के लिए किया बंद। अलीगढ़ में 14 वर्षीय रेप पीड़िता का हाल जानने अस्पताल में पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल, फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की उठाई मांग। हरदोई में मास्क के नाम पर पीआरडी जवानों का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने पीआरडी जवानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश। अयोध्या में नगर निगम में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन, कर्मियों ने पूरे 30 दिन का वेतन समय से देने की मांग। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार व्यापारी को मारी गोली, व्यापारी के अस्पताल जाते वक्त हुई मौत। मथुरा के थाना नौझील पुलिस की इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। एक बार फिर चीन पर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, UNGA में बोले दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए चीन है जिम्मेदार। UNGA में बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, हमारा किसी से कोल्ड या हॉट वॉर का इरादा नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगन ने UN में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने तुर्की को दिया करारा जवाब। पाक सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा की विपक्षी नेताओं संग गोपनीय बैठक, का सेना को सियासी मुद्दों में न घसीटे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक सौदे को लेकर दी चेतावनी, कहा डील अगर शर्तों के मुताबिक नहीं हुई तो लगेगा प्रतिबंध। IPL 2020 में संजू सैमसन ने खेली शानदार पारी, राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों से दी मात। भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर का बयान, कहा धोनी का नंबर 7 पर बैटिंग करना समस्या है परे। IPL के 13वें सीजन का 5वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा मुकाबला। IPL 2020 में मैनचेस्टर सिटी का विजयी आगाज, लगातार 10 शुरुआती मुकाबले जीतने वाले पहली बड़ी टीम। टोक्यो ओलंपिक से पहले भारतीय हॉकी टीम को मिला झटका, टीम के विश्लेषणात्मक कोच क्रिस सिरोलो ने दिया इस्तीफा। ड्रग्स केस में रिया शौविक की बेल पर सुनवाई टली, बारिश के चलते आज मुंबई कोर्ट हुआ बंद। मीटू के आरोपों में फंसे अनुराग कश्यप को लेकर बोली एक्ट्रेस तापसी पन्नू, का अगर आरोप साबित हुए तो मैं उनसे सारे संबंध तोड़ दूंगी। टाइम मैगजीन ने 2020 के विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की जारी की सूची, लिस्ट में एक्टर आयुष्मान खुराना हुए शामिल। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप का पुराना वीडियो किया साझा, अनुराग पर बच्चे के शोषण का लगाया है आरोप। बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच से खुश हैं एक्ट्रेस रवीना टंडन, का सफाई का वक्त आ गया है।